गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनप्रेस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। अब मेकअप नहीं किया है, जस्ट हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जूस। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वे से बन रहा है। नए तरीके का जूसर है जो मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, तो मैं अभी आपको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है मशीन जिसमें हम जूस निकालते हैं, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें इस तरीके का हाफ आपको फ्रूट लेना होता है, मौसमी या अनार, और इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट करना है और यहाँ से आपको इसे प्रेस करना है। मैं थोड़ा सा आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। Thank you.
हाँ मैं हूँ अपने घर पे, अपने मायके में। वैसे मेरे 3-3 घर है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने घर पे, लेकिन अभी मैं आई हूँ अपने मायके में। और जस्ट इवनिंग में पहुँचे हैं, 2 दिन के लिए आई हूँ, ज़्यादा लंबी छुट्टी लेकर नहीं आई हूँ। तो अभी हमारा घूमने का प्लान बन रहा है, तो अभी घूम कर आएंगे। और ये मैंने वही टॉप पहना है जो मैंने स्ट्रेट 9 से ख़रीदा था। बहुत बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं है, हल्का हल्का वॉर्म है, लेकिन ठीक है, अभी के मौसम के लिए अच्छा है। तो मिलती हूँ आपको तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगी, अम्बाला की सैर करवाएंगे। अम्बाला से आगे अड्डा रेस्टोरेंट है, वहाँ लेकर जाऊँगी मैं अभी आपको। और इसके साथ साथ अभी हम लोग करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि मैं शादी से पहले कैसी थी, आपको सभी क्लिप्स दिखाने वाली हूँ मैं कैसी थी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, इसी पे आने वाली है। तो स्टे ट्यून, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी। लोग सब 10 ईयर चैलेंज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी पीछे रहूं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। वैसे 3 साल पहले कुछ ऐसे दिखा करती थी मैं, शादी वाले दिन थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं सभी शादी वाले दिन। तो मेकअप, हैवी ज्वेलरी, हैवी लहंगा, तो मैं भी कुछ ऐसे ही लग रही थी। मैच नहीं कर रही ना कि मैं हूँ, लेकिन मैं ही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं घूमने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली वहीं पर। सो अभी हम आए हैं अड्डा रेस्टोरेंट, ये है ड्राइव 22 के आसपास, अम्बाला से आगे और चंडीगढ़ से पहले। तो यहाँ पर हम लोग, आपको पहले भी मैंने दिखाया जब मेरे ब्रदर की शादी थी, तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो चेकआउट करना। तो यहाँ का जो टॉप रूफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसके बाद हुई मेरे साथ जो ट्रेजेडी, मैं आप लोगों के साथ नहीं, आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ मेरा क्या हुआ। तो अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। यहाँ पर अड्डा रेस्टोरेंट है, हल्दीराम्स है, जो कि मैं पुणे में बहुत 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 मिस करती हूँ हल्दीराम्स को। फाउंटेन्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और ऊपर जाके हमने यहाँ पर जो ये बार प्लस रेस्टोरेंट है, इसका नॉन वेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप थोड़े बहुत शौकीन हैं पब टाइप्स, तो आप लोग यहाँ की जो इनकी इनबिल्ट जो बियर है वो कभी ट्राई करना। मतलब मैंने नहीं किया है, पर जिन लोगों ने किया उन लोगों के रिव्यूज़ बता रही हूँ मैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये पूरा बार काउंटर है, और इनकी एप्पल, मैंगो और अलग अलग फ्लेवर में जो है बियर्स जो है ये खुद बनाते हैं, लाइक बीरा, तो उस तरीके की ये कुछ है। और यहाँ पर आप फोटोज़ भी करा सकते हैं। और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं, वापस आते हुए इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा लगा मुझे। बंदर कहाँ पे है? टूट गया यार। अंकिता हेलो, आए मेरा बैक कैमरा तो ठीक है, फ्रंट कैमरे की मेरी जी थड़े उड़ गए हैं। तो जैसे ही हम अम्बाला से आ गया है जग्गी सिटी सेंटर, ये कुछ साइबर हब की तरह लगता है। और मेरे फ़ोन की हालत कुछ ऐसी थी, सारा का सारा ग्लास जो है वो बाहर आ गया था, और टच भी ठीक से नहीं चल रहा था इसका, तो बहुत बुरा लगा। मेरा फ़ोन टूट गया, मेरा नया फ़ोन था पोको F1, और इसकी स्क्रीन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, इसलिए मुझे अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करना पड़ा। वैसे अगर आप जग्गी सिटी सेंटर का पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप मेरे फ्रेंड्स वाला ब्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ डाल दूंगी। बाकी इस ब्लॉग को मुझे ऐसे ही ख़त्म करना पड़ा, और उसके बाद आगे फ्यूचर्स के ब्लॉग जो है वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फ़ोन की हालत नहीं थी। और उसके बाद जो है मेरे साथ ऐसे ही, मतलब ये तो शुरुआत थी मेरी टाइम ख़राब चलने की, और उसके बाद के दिन इससे भी ज़्यादा ख़राब रहे। सॉरी इस ब्लॉग को ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।